देख हैंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। लगभग 11 दिन पहले कन्नौज जेल से झांसी पेशी पर आए कुख्यात अपराधी लेखराज सिंह यादव को कस्टडी से छुड़ाने की साजिश में झांसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस घटनाक्रम से सियासी हलकों में खलबली मच गई है। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि 16 सितंबर को लेखराज को कन्नौज से झांसी पेशी पर लाया गया था। पेशी के बाद कुछ लोगों ने लेखराज को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश की थी, जिसका मुकदमा कन्नौज में घटना के 4 दिन बाद लिखवाया गया। मामले को शासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मौट थाने में मुकदमा दर्ज कर लगभग 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दीप नारायण सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। पूर्व विधायक को गिरफ्तारी के बाद थाना नवाबाद ले जाया गया। इसकी सूचना मिलते ही दीप नारायण के समर्थकों की भीड़ थाने में जमा हो गई, जिसे हटाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि लेखराज को छुड़ाने की साजिश में दीप नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल जो भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि दीप नारायण सिंह के बेटे दीपांकर उर्फ मून को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। दिनांक 16/9/2022 को कचहरी झांसी में कन्नौज जेल से पुलिस अभिरक्षा में दुर्दांत और सजायाफ्ता अपराधी की पेशी थी, जिसका नाम लेखराज यादव है। वहां कचहरी परिसर में कई लोगों ने पुलिस वाहन को घेर लिया और वहां पर पुलिस वालों पर दबाव बनवाया और छीनाझपटी करते हुए उसको छुड़ाने की पूरी कोशिश करी। बाद में रास्ते में इन पुलिस वालों को धमका करके डरा करके UP 93 BR 1100 नंबर की गाड़ी, सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बैठे लोग और उसके अनेक उनके साथियों द्वारा सजायाफ्ता अपराधी को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की हर तरह से कोशिश करी। कन्नौज पुलिस ने जो यहां पर पुलिस अभिरक्षा में लेके आई थी अभियुक्त को, थाना मौठ जनपद झांसी में और थाना 8 जालौर में अपनी बंदी रुक्षा की गाड़ी को ले जाकर के बंदी सहित बंदी की सुरक्षा सुनिश्चित करी। इसके बाद बंदी ने थाना 8 में अपना सर फोड़ने का प्रयास भी किया और आत्महत्या में पुलिस वालों को फंसाने की धमकी भी दी। इस संबंध में अब तक झांसी पुलिस द्वारा कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनका एक आपराधिक इतिहास भी है। जो भी अपराधी इस घटना में शामिल होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसके विरुद्ध पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी और ऐसे अपराधियों की जगह जेल में। सर दीपनारायण सिंह, इसी प्रकरण में साजिश में दीपनारायण सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया है। इनका भी लंबा आपराधिक इतिहास है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस घटना में जो प्रयुक्त गाड़ी है जिससे पुलिस अभिरक्षा से बंदी को छुड़ाने की कोशिश की गई थी, सफेद रंग की स्कॉर्पियो UP 93 BR 1100 अनिल यादव के नाम रजिस्टर्ड है, उसी की है। और यह गाड़ी दीपनारायण के साले के घर पे मिली है हमें, जब हम लोगों ने दबिश दी। और यह अनिल यादव जो है वो दीपनारायण के साले का साला लगता है, रिश्तेदार लगता है, और जिसने पुलिस की गाड़ी का पीछा किया और अपने साथियों के साथ घटनास्थल पे कचहरी से लेकर के जनपद झांसी के मौठ थाने तक अभियुक्त को छुड़ाने की पूरी कोशिश करी और ये मौके पे अवेलेबल रहा। इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 11 पहले और एक आज को टोटल अभी तक 12 गिरफ्तारियां कर ली है और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर दीपनारायण सिंह यादव का आरोप है कि शासन सत्ता की हनक में ये कार्रवाई की जा रही है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इसमें हमने कार्रवाई जो करी है, हमने एकदम एविडेंस बेस पे करी है। एविडेंस बेस में भी हमारे पास CCTV फुटेजेज हैं, हमारे पास सर्वलांस की रिकॉर्डिंग्स है, सर्वलांस की तकनीकी सर्वलांस की डिटेल्स है, CCTV फुटेज है और इनकी आपस में बात होना भी प्रमाणित है। क्या दीपनारायण के बेटे